हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसके पहले हमने गद्य साहित्य से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करा था और आज हम इसकी दूसरी वीडियो जो पद्य साहित्य से रिलेटेड है इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति काव्य शाखा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, प्रेमचंद, श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला श्री निवास दास। अगला क्वेश्चन है, दी मैडमैन पगला का नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ढूंढकर जल्द से जल्द बताएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकता है। तो होमवर्क में आपके लिए मैं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, तेलुगु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधि। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में कितने सर्ग हैं? 17, 16, 15, 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 सर्ग। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायावादोत्तर युग के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, होमवर्क है इसका, आप लोग आंसर खोजकर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे हरिऔध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे है, 60 में इन्हें अज्ञे की उपाधि दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। अगला क्वेश्चन, बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्सई में दोहों की संख्या कितनी है? 712, 719, 713, 714। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 719। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर, नानक, रैदास, दादू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अखरावट के रचनाकार कौन है? हरिऔध, मलिक मोहम्मद जायसी, रामानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, रसखान। आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, तमिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। तार सब तक के संपादक कौन है? अज्ञे, हरिऔध, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है,
शोक गीत सरोज स्मृति किसकी प्रसिद्ध रचना है? गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? कामायनी, प्रिय प्रवास, श्री रामचरित मानस, चंद छंद, वर्णन की महिमा। तो दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है। यह होमवर्क इस वीडियो में मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसे खोजें जिससे आपका नॉलेज बढ़े और पढ़ने के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़े। ठीक है, तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग होमवर्क जो भी काम दे रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़े, खोजें और आप अपने ज्ञान को बढ़ाएँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास तथा प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेमचंद, अज्ञे, हरिओं, सुमित्रानंदन पंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं। दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1943, 1951, 1957, 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1957। अगला क्वेश्चन है, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1952, 1954, 1956, 1957। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1954। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने व कहाँ की थी? प्रेमचंद, अग्गे, कलकत्ता में, मुंबई में। तो इसका भी आपको होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर सर्च करके कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द भेजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सहरपा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरपा। धन्यवाद दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपके भविष्य के उज्जवल कामना के लिए 2021 बोर्ड एग्ज़ाम का अथक प्रयास कर रहे हैं जिसे आप सफल हों। धन्यवाद।